आग तो है, धुआं ऐसे ही कैसे उठेगा? मिसेला, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? कुछ ऐसा लगा उसे यकदम किसी ने कमर तोड़ दी। मुझसे गाड़ी नहीं चलाई है, तुम भी चलो। आया है, आया। आप चलिए, बस मैं आया। चाबी आवाज होगी। अरे रुकिए, कहीं गिर ना जाइएगा। रुकिए, देखिए कहीं तकलीफ ज्यादा है तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। कंधे झुके से चला भी। शिवा नहायत ही लापरवाह लड़का है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था मैंने उसको कहा भी था कैंप से राब्ता ना करे। वॉइस नोट भेजने की क्या जरूरत थी? बीवियों को चाहिए कि ऐसे बेवकूफ मर्दों को अकेले ही ना छोड़ें। क्या करें, इन्होंने सोग भी तो मनाना था। क्या देख रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम अपने मियां के प्रेस्टीज का ख्याल रखो? मॉम। क्या मॉम? क्या? अरे अपना रोना धोना छोड़ो, तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने शोहर की इज्जत बचा के रखो। अच्छी खानदानी लड़की लेके आए हम, है ना? ये हाल है हमारा। अरे सारे खानदान की लड़कियां मर रही थी मेरे बेटे से शादी करने के लिए, लेकिन मेरे शोहर को तुम्हारी बेटी के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। मैं समझा दूंगा भाभी, आइंदा ख्याल रखेगी। बीवियां अगर खुद से ज्यादा प्यार करने लगें और खुद की ज्यादा इज्जत करने लगें तो बहुत नुकसान होता है। इसे अपनी अदाएं छोड़नी होंगी सलाउद्दीन। बच्ची है तो उसे चाइम लेगी। कहाँ है वो? सो रहे। देख लें, हाल ये पहाड़ टूट गया है, मुसीबत आ गई हमारे सर पे, लेकिन इनके शोहर सो रहे हैं। मैंने क्या किया? बीबी यही तो मुसीबत है, तुमने किया ही क्या है? अरे इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारा शोहर सो रहा है, जाओ जगाओ उसे, होश दिलवाओ। बस तुम तो हमारी बेबसी का तमाशा ही देख रही हो और हम तुम्हारा घर बसाने के लिए ना सर पे पहाड़ उठाए फिर रहे हैं। जाओ अब, जाओ, क्यों नहीं जा रही? जी मैं जगाती हूँ। फैमिली की किसी और लड़की को बिहा के लाती तो एहसान मंद तो रहती, किसी को हिनोर की तरह छुपा छुपा के रखती वो हमारे शहरोज को। हाँ तो इसने कोशिश कोई कम तो नहीं की? तो तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती, ये मसला तो हल कर दो। इस समय मेरी क्या गलती? मॉम ने मुझे क्यों इतनी बातें सुना दी? ओह कम ऑन दानिया, प्लीज मैं तुम्हारे दुख सुनूं या खुद को संभालूं? डोंट यू रियलाइज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? क्या क्या हो गया है मेरे साथ? हाँ लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। सब मुझे ऐसे बातें सुना रहे हैं जैसे मेरी पहली शादी पकड़ी गई है। दे दो, तुम भी मुझे ताने दे दो। नहीं वो अच्छा, चले चल के मॉम के पास तो बैठे।